रेजिस्टेंस वाले दो तीन ये करवाने के बाद फिर मैं आपको एसी और डीसी में एक बार फिर से फर्क जो है वो भी बता देता हूँ बेटे। सो आइए डियर चिल्ड्रन, लेट मी हैव द एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल एज यू आर आस्किंग दैट व्हाट वी हैव टू डू व्हेन वी आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द रेजिस्टर्स, और लेंथ डिक्रीज या इंक्रीज करने पे आपका जो एरिया और क्रॉस सेक्शन है दैट विल आल्सो बी सब्जेक्टेड टू सम सॉर्ट ऑफ चेंज, कैसे हम नया रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वगैरह निकाल पाएंगे। आइए बेटे देखते हैं, मैं स्टेटमेंट भी पूरा लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा या देख लीजिएगा। स्टेटमेंट में आपको दिया गया है वी हैव ए कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, बेटे वी हैव ए कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और आपको करना क्या है बेटे फर्दर मोर, और आपको क्या दिया गया है, दिस वायर इज पुल्ड सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड, दिस वायर इज पुल्ड सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड। बेटे आपने लेंथ इसकी डबल कर दी, और फर्दर मोर आपको क्या उन्होंने कहा है, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। बेटे ये एक न्यूमेरिकल मैं कर रहा हूँ प्रेजेंटली, इसके बाद फिर एक आप करना बेटा, ठीक है जी, एक मैं कर देता हूँ, एक आप करिएगा, फिर उससे आपको थोड़ा जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगा, दैट विल बी रादर मच बेटर। आइए देखिए बेटा सॉल्यूशन पार्ट आप सॉल्व कैसे कर पाओगे। आपके पास बेटे एक वायर है, इस वायर का और आपको कुछ भी नहीं दिया, बट इतना बताया गया है कि इसका रेजिस्टेंस आर है, और ये वायर बेटे आपके पास कॉपर की बनी हुई वायर है, ठीक है बेटे, ठीक है फरमान, ठीक है। सो अगर ये ऐसे होगा, आप इसकी जो लेंथ है लेट अस से दैट इट इज एल, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है लेट इट बी बेटे ए, और रेजिस्टेंस चलिए आपको आर दिया ही हुआ है, इसका जो रेजिस्टेंस है इस वायर का इसको हमने बोल दिया जी आर के बराबर, ये चीज आपको दी हुई है, और आप अच्छे से बेटे जानते भी हो कि आपका जो आर है दिस इज रो इनटू एल बाई ए, लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर वन, ठीक है जी। अब इस रेजिस्टेंस के लिए हम बेटे जब भी इसको फर्दर मोर बेटे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, बेटे ये जो न्यू रेजिस्टेंस है वायर का बेटा, इसको वर्कआउट करने के लिए हम बेटे नई जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसको वर्कआउट करने के लिए, इसकी नई लेंथ कितनी है वो निकाल लेंगे, नया एरिया कितना है वो निकाल लेंगे। आपको कहा गया है कि इसको पुल किया है वायर को सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड, बेटे आपने न्यू लेंथ जो है, न्यू लेंथ एल डैश, इसको ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू ऑफ द लेंथ एल कह दिया। जब आप ऐसे कह दोगे बिकॉज आपने बेटे वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं लेके आए हो, वॉल्यूम तो आपका सेम ही है, आप दोनों के वॉल्यूम्स को एक बार फिर से कंपेयर करिए, ये फाइनल वॉल्यूम बी डैश इनिशियल वॉल्यूम बी, और डियर स्टूडेंट्स वॉल्यूम जो होता है, यस बेटे ठीक है अदिति, वॉल्यूम आपका एरिया इनटू लेंथ के बराबर होता है, नया एरिया ए डैश नई लेंथ एल डैश, नया एरिया ए नई लेंथ पुरानी वाली वैल्यूज ये वाली। अभी देखिए
न्यू लेंथ तो आपके पास थी लेकिन न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास नहीं है. सो ए डैश जो है इट विल बी ए एल अपॉन एल डैश. ए एल को आपने ऐसे रखा, एल डैश इज इक्वल टू ट्वाइस एल, दिस इज गेटिंग कैंसल्ड. ए डैश दिस इज इक्वल टू ए बाई टू. तो ये नए वाला एरिया आपने खुद निकाला है, ये चीज आपको दी हुई है बेटा. इस चीज का आपने थोड़ा सा अपने माइंड में ध्यान रखना है. अब बेटे आप क्या करिए, सिंपली वैल्यूज जो आपको ये नई निकली हैं, इनको एक्सप्रेशन फॉर द न्यू रेजिस्टेंस लिख के उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. आई मीन टू से दैट आर डैश इज रो एल डैश बाई ए डैश, दिस विल बी द न्यू रेजिस्टेंस बेटा. वैल्यूज पुट कर दीजिए, एल डैश दिस इज हियर ट्वाइस एल एंड ए डैश दिस इज विद ए बाई टू. आपने ऐसे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया. और जब आप फर्दर मोर सॉल्व करने की कोशिश करोगे, इट विल बी रो टू एल इंटू टू, ये टू जो डिनोमिनेटर में था ऊपर चला गया. ए रीअरेंज कर दीजिए टर्म्स को थोड़ा सा, आर डैश इज टू टू आर फोर इंटू रो इंटू एल बाई ए. और बेटे आप यहां से इक्वेशन नंबर वन को यूज करिए, आर डैश इज फोर टाइम्स आर. बेटे ये आपके पास जो है रेजिस्टेंस इस तरीके से आप फोर टाइम्स इनिशियल वैल्यू का निकाल सकते हैं. डियर चिल्ड्रन एक बार सारे बच्चे चेक करके बताइएगा कि कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ आ गया बेटा? यस बेटे. पार्थ, नैना, रबनूर, सिमरलीन, अर्पित, आर्यंश, श्रीन और पुष्कर, जानवी, सकेत, राइट बेटे. मैं सबका नहीं नाम ले पा रहा हूं बेटे, इट विल टेक अदरवाइज ए वेरी लार्ज टाइम एज सच. सो आइए एक अब बेटे मैं आपको क्वेश्चन इसके साथ मिलता जुलता देता हूं, आप फिर कोशिश करिएगा एंड आप अपना आंसर बताइएगा कि क्या आ रहा है. लेट मी राइट डाउन द स्टेटमेंट फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. स्टेटमेंट मेरे पास है बेटा, अल्मीनियम वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड अल्मीनियम वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज pulled so that its length becomes four times, is pulled so that its length becomes four times with it. Four times. Find the new resistance in terms of the initial resistance. Find new resistance. बेटा आप करके देखिए इसको बेटे, फिर हम आंसर देख लेते हैं कि क्या आ रहा है. अकॉर्डिंगली वी विल राइट. सारे स्टूडेंट्स दो मिनट के लिए ट्राई करिएगा, मुश्किल नहीं. वेरी गुड बेटे अरमान, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेल डन. बाकी बच्चे भी सारे पता करके देखो, बाकी स्टूडेंट्स भी बेटे करके देखिए, सारे बच्चे करके देखिए. बिल्कुल आपका सेम तरीका जैसे हमने ऑलरेडी किया ही है, नॉट एट ऑल डिफरेंट. सारे बच्चे दो मिनट करके देखिएगा, मुश्किल नहीं. सारे करवा रहा हूं बेटे, सारे करवा रहा हूं, डोंट वरी, जस्ट कमिंग टू दैट. सहज प्रीत कौर, रवनीत कौर, राहुल वर्मा, प्रभनूर सिंह, प्रभगुण कौर, पार्थ अनंत, यस डियर ऑल. चलिए बेटे फिर मैं भी सॉल्व कर देता हूं, आप देख लीजिएगा इसको कैसे हमने करना है. लेट अस विद फोकस अगेन. अल्मीनियम का वायर है, लेंथ
हमने इसकी अपनी तरफ से एल बोल दी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने ए कह दिया, रेजिस्टेंस आर रो एल बाई ए, ये आप अच्छे से जानते हो। इसके बाद इसको आपने पुल किया है ताकि लेंथ 4 times हो जाए। आपके पास न्यू वॉल्यूम वी डैश कह दो, इनिशियल वॉल्यूम वी कह दो, बिकॉज आपने पुल किया है। वॉल्यूम में बच्चों कोई चेंज हम एक्सपेक्ट नहीं करते, अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है तो नई लेंथ इंटू नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पुरानी वाली लेंथ इंटू पुराने वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कर दो। आपका लेंथ 4 times आपको दिया हुआ है ना बेटे, देखिए, सो दैट इट्स लेंथ बिकम्स 4 times एल डैश, दिस इज 4 times एल, ए डैश आपको पता नहीं है, इसको ऐसे लिख दिया, एल आपका गेटिंग कैंसल्ड, ए डैश दिस इज ए बाई 4, ये एरिया आपने खुद निकाला है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेटा विच इज गिवन टू यू। अब नया रेजिस्टेंस आर डैश रो एल डैश अपॉन ए डैश कर लीजिएगा, दिस इज रो एल डैश पुत्र जी, आपके पास है जी 4 times एल, और डियर चिल्ड्रन ए डैश आपके पास है जी ए बाई 4। एडजस्ट कर दीजिए टर्म्स को, आर डैश रो ये 4 इंटू एन अदर 4 इंटू एल अपॉन ए, और बच्चों आर डैश जो है इट विल बी 16 रो एल अपॉन ए। इक्वेशन नंबर 1 को देखिएगा, दिस इज योर 16 times आर, ऐसे आप बच्चों इसको निकाल सकते हो। सो डियर चिल्ड्रन एक बार चेक करिएगा, स्टिल अगर आपको कोई पॉइंट है लग रहा कि पूछना तो यू आर मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू बेटा। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड, वेरी नाइस। 2-3 प्रॉब्लम्स बेटे मैं रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशंस की जो है वो लिख रहा हूं, आप करिएगा ट्राई, आई विल आल्सो बी सॉल्विंग, देन वी विल कंपेयर अवर आंसर्स, राइट बेटे। सो गेट रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन एंड लेट अस प्रोसीड विद द न्यूमेरिकल्स 2 or 3 बेस्ड अपॉन योर कॉम्बिनेशन और ग्रुपिंग ऑफ द रेजिस्टेंस। आइए मैं एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करता हूं। लेट अस इमेजिन दैट हियर वी हैव द एंड ए, एक रेजिस्टर यहां पे लगा हुआ है, एंड देयर इज वन मोर रेजिस्टर ओवर हियर, और एक और रेजिस्टर यहां पे है, और बेटा दिस इज बी पॉइंट, एक रेजिस्टर यहां पे है और एक रेजिस्टर आपने यहां पे और ऐसे लगा रखा है, और बच्चों एक आपने रेजिस्टर आपको यहां पे उन्होंने दिया हुआ। वैल्यूज जो है ये बेटा आपके पास रेजिस्टेंस जो है ये 3 ohm का है, बाकी सारे 5 ohm के रेजिस्टेंसेस हैं, 5 ohm 5 ohm ईच, ऑल आपको रेजिस्टेंस इफेक्टिव बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी निकालना है। सारे बच्चे करके देखिएगा, 1 minute के बाद मैं भी सॉल्व करूंगा, फिर आप अपना कंपेयर करिएगा। ऑल ऑफ यू बेटा, आदिति, आदित्य, अंकिता, अरमान, अर्शीन, चांद एंड छंक, धवनेश, दीक्षा, दीविता, इमानी, हर्षदीप, सारे स्टूडेंट्स, मैं सबका नाम अगेन नहीं ले पा रहा हूं बेटा, लॉन्ग लिस्ट है, टाइम ज्यादा लग जाएगा। वेल, सारे बच्चे कर रहे हैं, अच्छी बात है, फटाफट इसको कंप्लीट करिए, देखें फिर हमारा आंसर कितना आता है। इफ यू हैव सॉल्व्ड प्लीज शेयर योर आंसर। 12.5 आदित्य मिरुल्ला, आई होप इट टू बी करेक्ट, यस 12.5 बिल्कुल ठीक आदित्य मिरुल्ला, गुड बेटे, बहुत बढ़िया। बाकी स्टूडेंट्स भी देखिए बेटा, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं, 1 minute लगाइएगा। वेरी नाइस दीक्षा, ठीक है बेटा, ठीक है दीक्षा, ठीक है, राइट 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 बेटे, राइट, वेल डन।
चलिए मैं भी सॉल्व करता हूं, बाकी बच्चे देखिए बेटा। इसको सॉल्व करने के लिए आपके ये तीनों रेजिस्टेंसेस बेटे सीरीज में है, पहले एक दो तीन, इन तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आ जाएगा आर डैश कह दीजिए 5 + 5 + 5, दिस इज 15 ओम। और अब क्योंकि ये सीरीज में थे, इनका इफेक्टिव 15 आ रहा है, तो बच्चों मैं यहां पर अगर ऐसे कर दूं 15 ओम तो देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल इन राइटिंग इट सो। इससे रादर आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है कि अब ये दोनों आपके जो हैं दीज आर इन पैरेलल। सो आपके पास 1/r" मैं कह देता हूं इन दोनों का इफेक्टिव, दिस इज 1/3 + 1/15, ये आ जाएगा 15 as such, and 3 5s are 15, 15 1s are 15, this is 6/15। उल्टा करना नहीं भूलना, अक्सर यहाँ पे गलती हो जाती है। r डबल डैश दिस इज 15/6, ये आपके पास 5/2 आ जाएगा जी। अब अगर मैं ये दोनों ही इनको रिमूव कर दूं, इनकी जगह पर एक रेजिस्टेंस जो मेरा बचेगा, इनका इफेक्टिव जो आपने निकाला है दिस इज 5/2 ओम, और अगर आप देखो तो ये 2.5 ओम ही होता है, ये और ये तीनों सीरीज में है, और आपका आर इफेक्टिव बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी दिस इज 5 + 2.5 + another 5, दिस इज 12.5 ओम। सारे बच्चे चेक करिएगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट ना रह जाए बेटे। इज इट क्लियर टू ऑल डियर चिल्ड्रन? नाइस बेटे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, देन मैं एक और लिखता हूं, आप करके देखिए, सॉल्व करके देखिए, फिर हम आंसर्स की टर्म्स में भी बात करेंगे। आइए बच्चों देखिए, स्टार्ट करें। आपको फर्दर मोर बेटा एक और मैं ड्रॉ कर देता हूं, यस जी, आपको एक नेटवर्क ऐसे दिया हुआ है रेजिस्टर्स का, 1, 2, and this is 3, 1, 2, and 3, ये नेटवर्क बेटे आपके पास कुछ इस तरीके का है। एक पॉइंट यहां पे आपको उन्होंने दिया हुआ है ए, एक पॉइंट आपको यहां पे दिया हुआ है बी, और डियर चिल्ड्रन सारे 2 2 ओम के हैं, ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम, दिस इज आल्सो 2 ओम। मैं थोड़ा गलत बना गया बेटा, यहां पे नहीं है ये, लेट मी रीड्रॉ दिस, ये यहां पे है 2 ओम, और ये वाला भी यहां पे नहीं है, इधर है, दिस इज 2 ओम, और यस कुछ ऐसी चीज दी हुई है आपको, एंड यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, जो ये दो टर्मिनल्स आपको ए और बी दिए गए हैं, इनके बीच में ओके ओके चंक बेटे, वेरी नाइस, वेरी गुड, बाकी बच्चे भी करिए, वेरी गुड, वेल डन वेल डन अर्शीन, ठीक है, बहुत बढ़िया। आदित्य नरूला बिल्कुल ठीक, राइट, लगाइए बाकी बच्चे भी, एक मिनट, आई विल आल्सो बी सॉल्विंग। अरमान रीकैलकुलेट, अरमान रीकैलकुलेट, थोड़ा सा गलती लग रहा है मुझे कैलकुलेशन में, एक बार री चेक करो अपना रिजल्ट। अरमान बाकी स्टूडेंट्स भी करते जाओ, साथ साथ करके बताओ पुत्र, सबका हो गया कि नहीं हो गया? दिविता, नैना, वेयर इज नैना? हाँ जी अरमान, अब ठीक है, नैना कहाँ गई गुड़िया? यस,
हाँ जी नैना बेटे, रोल नंबर 31 नैना है, 10th A क्लास। नैना 31 रोल नंबर, 10th A क्लास। नहीं पुत्र, सॉल्व भी करना है, थम्स अप तो अच्छी बात है, इट नाइस इट्स अदरवाइज इसको। हाँ जी बेटे, वेरी राइट, अब ठीक है, अब बात बनी, गुड वेल डन। सो चलिए मैं भी बेटे इसको सॉल्व करता हूं, आप देखिएगा। ये तीनों ही सीरीज में लगे हुए हैं, 2 + 2 + 2 ये 6 ओम आ जाएगा, इधर ये तीनों ही सीरीज में लगे हुए हैं, 2 + 2 + 2 6 ओम आ जाएगा, और ये दोनों आपस में पुत्र जी पैरेलल में हैं, तो आपके पास 1/R इफेक्टिव जो है इट विल बी 1/6 + 1/6, इट विल बी 2/6, विल बी 1/3, एंड आर इफेक्टिव दिस इज इक्वल टू 3 ओम, राइट। सो इन दिस वे आप इसको देख सोच समझ सकते हैं। लेट मी फाइंड अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू द नेटवर्क ऑफ द रेजिस्टर्स, और मैं लिखता हूं, आप उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा बेटे। सिंपल सा ही है वैसे तो, चलो करके देख लो बेटे। आपको एक इंग्लिश अल्फाबेट एक ही फॉर्म में नेटवर्क दे रखा है रेजिस्टर्स का, ऐसे एक रेजिस्टर यहां पे है, एक यहां पे और है, और ऐसे ही एक रेजिस्टर यहां पे है, एक रेजिस्टर और यहां पे और है, एक रेजिस्टर आपको यहां पे और दे रखा है। इन पॉइंट्स को आपने बेटा पॉइंट्स एक्स एंड वाई बोला हुआ है, दिस इज एक्स पॉइंट, दिस इज वाई पॉइंट। वैल्यूज मैं सारी लिख देता हूं बेटा, 3 1 2 3, 3 2 3, मिडल वाला आपको दिया गया है 1.5 ओम का। आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई निकालना है, ट्राई करिए सारे बच्चे पुत्र। ज्योत स्वरूप एंड गरिमा लेट आ रहे हैं काफी, अर्शीन ठीक है बेटा, वेरी नाइस। ज्योत स्वरूप एंड गरिमा आप बहुत लेट आए हैं बेटे, लेट ज्वाइन किया आपने। ज्योत स्वरूप रोल नंबर 24, 10th A क्लास। नो रिप्लाई एंड देयर इज गरिमा, गरिमा रोल नंबर 15। अरमान रीचेक करिए, नहीं फिट नहीं आंसर आपका। 10th A क्लास 15 रोल नंबर गरिमा, आदित्य निरूला ठीक है बेटा, गरिमा अंकिता राइट बेटे ठीक है, बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे भी करो बेटे शाबाश राइट। अरमान अरमान रीचेक रीचेक, अरमान रीचेक। हाँ जी नैना ठीक है ठीक है ठीक है राइट, बिल्कुल ठीक वेल। अरमान, अरे मैंने तो अरमान करना ही है पुत्र, मैं तो करूंगा ही, चलिए मैं भी करता हूं, आप देखिएगा सारे स्टूडेंट्स और देखें कि कैसे हम कर सकते हैं इसको। लेट अस कंसंट्रेट बेटा। बच्चों टू बिगिन विद ये दोनों आपके सीरीज में टॉप पे जो है, तो दिस इज इक्वल टू 3 ओम, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है आर डैश मैं कह देता हूं, दिस इज 1 ओम + 2 ओम, दिस इज इक्वल टू 3 ओम। साथ साथ देखिएगा भी डायग्राम को, इट विल मीन दैट इन दोनों को अगर मैं उड़ा दूं, इनकी जगह पर मैं एक ही ऐसे 3 ओम का जो है ये लगा सकता हूं। अब बच्चों
ये दोनों आपस में पैरेलल में है, इनका इफेक्टिव निकालिए, लेट इट बी 1 बाय आर डबल डैश, दिस इज 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 1.5, राइट जी, और दिस इज, चलिए मैं इसको 3 बाय 2 लिखता हूं, देन इट विल बी मच बेटर, ऐसे कर देता हूं, 3 आ गया, ये 1 प्लस 2, 3 बाय 3, दिस इज 1, आर डबल डैश इज 1 ओम, अरमान यहां तक क्लियर है, अरमान अरमान ओके, इन दोनों को उड़ा दिया, इनकी जगह पर एक ही आपका आ जाएगा वन ओम का, तो अरमान अब क्या करें, अरमान अरमान तीनों सीरीज में बच्चे, तो आपका, हाँ जी अरमान इज रेजिंग हैंड, यू आर वेलकम, बोलिए अरमान। यस सर, फिर हम इनको ऐड कर देंगे। यस यस डेफिनेटली, आर इफेक्टिव सीरीज में है, सीधे इनकी एडिशन हो जाएगी, 3 प्लस 1 प्लस 3 7 ओम, चेक कर लीजिए सारे स्टूडेंट्स बेटा, सारे बच्चों को ये आंसर मिल गया है, ओके राइट। चलिए आगे चलें, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेट अस बिगिन विद दैट, और आप उस केस में आपको जो रेजिस्टेंस का नेटवर्क दिया गया है, आपको कहा गया है इन द फॉलोइंग नेटवर्क ऑफ द रेजिस्टर्स, पहले नेटवर्क देखिए आप, एक बैटरी दी हुई है आपको, दिस इज 4 ओम, सॉरी 4 वोल्ट, ओम नहीं भाई, और ये आपके पास एक रजिस्टर यहाँ पे जो दिया गया है, दिस इज विद ए नहीं फोर नहीं, दिस इज इक्वल टू योर, कहाँ चला गया, एक मिनट बेटे वेट करिएगा, एक मिनट के लिए, ये पेजेस उल्टे पुलटे हो गए बुक के, so yes this is with your 2 ohm and ये दो resistors आपको दिए गए हैं, एक है 5 ohm, एक है 10 ohm, एक है 10 ohm, इनको यहाँ पे एक और रजिस्टर आपको दिया गया है कुछ इस तरीके से, और ये जो है दिस इज अगेन 5 ओम, आपको उन्होंने कहा है कि आर इफेक्टिव इस सर्किट का निकालिए एंड सेकेंडली टोटल करंट इन द सर्किट निकालिए, तो 2 मिनट लगेंगे सिर्फ बेटा, आप करिए सारे स्टूडेंट्स बेटा, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं, आसान सीधी सीधी बातें, चम चंक दवनेश दीक्षा देविता, ऑल ऑफ यू बेटे ट्राई दिस एंड टेल व्हाट वी विल बी गेटिंग इन द एंड, अरमान इतना टाइम, चलिए लगाइए कोई बात नहीं, लगाइए नो प्रॉब्लम, सिंपल सा सर्किट है, सिंपल सा नेटवर्क है, ठीक है जी, करिए जरा लगाइए 2 मिनट्स बेटा, आई विल आल्सो बी सॉल्विंग 10.34 धवनेश, मुझे ठीक लग रहा है, यस राइट 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 ठीक ठीक नैना नैना, चलिए मैं भी बेटे करता हूं जिन बच्चों ने नहीं किया, यस बेटे नैना ठीक है, चंक हाँ जी ठीक है जी, मैं भी करता हूं, आप एक बार जिनका नहीं हुआ क्रॉस चेक कर लीजिए, जिनका हो गया है बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है,
अरमान थम्स अप फॉर यू। हाँ जी नैना बिल्कुल ठीक है। ये बच्चों टू बिगिन विद ये दोनों आपके सीरीज में सॉरी पैरेलल में और इनका इफेक्टिव बन जाएगा 1/5 + 1/10 और 2 + 1 = 3/10। उल्टा करना नहीं भूलना 10/3 ओम एंड दिस इज 3.34 ओम कह सकते हैं। इसके बाद ये इनका इफेक्टिव और ये सारे ही बच्चों सीरीज में सो आर इफेक्टिव आपके पास बन गया 2 + 3.34 + 5 दिस इज 10.34 ओम। ये आपका बच्चों इफेक्टिव रेजिस्टेंस बन गया। इसके बाद इफेक्टिव रेजिस्टेंस के बाद करंट आपको पूछा गया है सर्किट का कितना होगा। इट विल बी वी अपॉन आर इफेक्टिव एंड इट विल बी वी दिस इज 4 वोल्ट एंड आर इफेक्टिव को मैं 10.34 ही लिखता हूं। इतने एम्पियर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा बेटे। पॉइंट्स कितना आया था बेटे एक बार चेक करना। नैना नैना बेटा आपने अभी अभी निकाला था। नैना नैना हाँ जी बेटे 0.38 वेरी नाइस 0.38 एम्पियर क्रॉस चेक करिएगा कैलकुलेशंस को। यस बेटा ऑल ऑफ यू पुत्र इस सेटअप को चेक करिएगा एक बार वेदर वैल्यूज आपकी। धवनेश ठीक है राइट बेटे गुड बेटे गुड गुड गुड। सो बेटे आगे मैं अब नहीं लिख रहा हूं कोई भी न्यूमेरिकल। किसी भी बच्चे का कोई पॉइंट है पूछने वाला यू आर मोस्ट वेलकम। आप पूछिए अदरवाइज प्रैक्टिस करते जाइए मेहनत करते जाइए पढ़ते जाइए। मौसम आराम से बैठ के पढ़ने वाला ही है बाहर घूमने वाला मौसम है नहीं है। आराम से बैठिए और अपना काम करते जाइए करते जाइए करते ही जाइए एंड इट विल बी ए लॉट ऑफ हेल्प इन द एंड। यस बेटे वेरी नाइस। सो आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं है बेटा। अगर है तो बता दीजिए प्लीज raise your hand I will be happy to hear the words from your side okay theek hai beta theek hai ji thank you all thumbs up for you all thank you beta।